Hi, as you all know how fastly coronavirus is spreading. Our doctor, nurses, policemen are working very hard to keep us and our loved ones safe. Can we support them? Yes, we can. We can support them by staying indoors, by staying at home. Stay at home, stay safe. नमस्कार, ये है मेरा प्रिय मित्र। ये कोरोना समय लॉकडाउन के कारण वापस आ गया है। इसको आप अपने घर के आसपास जगह जगह पेड़ों पर देख सकते हैं। मजे की बात तो है कि प्रदूषण इतना कम है कि ये दुनिया में खुलकर सांस ले पा रहा है। तो हमें इस आई भी तो होते जैसे अन्य पृथ्वी पक्षियों पर वातावरण का खुलकर स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद। डर गया है जिससे पूरा संसार, वो है वायरस कोरोना, जिसका केवल है एक ही उपचार, घर पे रहे पूरा परिवार, हाथ धोए बार बार, रखे दूर रिश्तेदार, नहीं समझोगे इसको यार तो नष्ट हो जाएगा पूरा संसार। Of the novel coronavirus, our heroes are trying their best, and they are our health workers and police. We can also be a hero to our family by only staying at home and staying safe. So stay home and stay safe. मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस से बच कर रहें, पब्लिक प्लेसेस पर क्राउड ना करें, अपने घर में रहें, पौष्टिक आहार खाएं, सो स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। तो कर दिया है, मेरे को बाहर घूमने जाना है। ऑब्वियसली कुछ सोच के ही लॉकडाउन करा होगा हमारे भले के लिए, तुझे नहीं पता उसके पीछे का रीजन। क्या है इसके पीछे का रीजन? आती है उसके पीछे का रीजन, कोरोना जो है वो एक डेड सेल है जो कि ह्यूमन बॉडी में जब एंटर कर देता है तो वो एक्टिव हो जाता है, और जब वो एक्टिव होता है वो धीरे धीरे और बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर हम लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे वो वायरस हमारे अंदर एंटर नहीं करेगा, और क्योंकि हमारे अंदर नहीं एंटर करेगा तो वो जनरेट होना बंद हो जाएगा। ऐसे अगर सब जने बाहर निकलना बंद कर दे तो ये वायरस एकदम खत्म हो सकता है। सो गाइस, स्टे होम एंड स्टे वांटेड टू डू सो वेल यू कैन जस्ट बाय स्टेइंग एट होम। The current situation is everyone is fighting COVID-19, and by staying at home, you can also be a part of this. By staying at home, you can save your own life, your family's life, and the whole nation. Well, it's my humble request to everyone to stay at home. Hashtag stay safe, stay at home. Hum honge kamyab, hum honge kamyab, hum honge kamyab. हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जय हिंद, जय भारत। एक दिन एक ऑटो वाले ने मेरी मदद करी थी जब मैं सेकंड क्लास में था, तब मेरी स्कूल बस छूट गई थी, तो मैं वहां से थोड़ा दूर गया, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। उसके बाद मैं थोड़ी देर वहीं रुका, फिर एक ऑटो वाला आया, उसने पूछा कि कहाँ क्या हुआ, कहाँ जाना है, तो मैंने कहा कि मेरी बस छूट गई है, तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और स्कूल से मेरा घर लगभग कितना किलोमीटर, 15-17 किलोमीटर दूर होगा। तो उस ऑटो वाले ने मेरे को छोड़ा और पैसे भी नहीं लिए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये कहानी ना आपकी है ना मेरी, ये कहानी हम सबकी है। कहानी उन जीवन के लम्बों की है जो हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। एक लड़की थी जिससे लिखने का और किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसने अपने नाम से एक ब्लॉग बनाया, फिर उसने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उस प्रतियोगिता में उसे कई विषयों के बारे में लिखना था, उन विषयों की उससे जानकारी भी नहीं थी। उसने कई सूझबूझ से और मेहनत से उन विषयों के बारे में लिख दिया। जिस दिन उसने अपना कार्य प्रस्तुत किया, जजेस ने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करी और लोगों ने भी बहुत ज़्यादा तारीफ करी, लेकिन वो प्रतियोगिता जीत नहीं पाई क्योंकि उसने सारे विषयों के बारे में नहीं लिखा था।
उस दिन वो प्रतियोगिता जीती तो नहीं, लेकिन उसने एक चीज जरूर जान ली थी कि सब कुछ उसके अंदर है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मंजीत सिंह है। आज मैं आपको अपने लाइफ के उन दो लोगों से मिलाने जा रहा हूँ, मेरे माता पिता। इन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। मुझे पढ़ाई लिखाई में तकलीफ होती थी, सब कुछ उल्टा सीधा लिखता था, लगता था कि सब कुछ छोड़ दूं, पर तब मेरी माँ ने हमेशा मुझे कहा, आप कर लोगे और आसानी से कर लोगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर। सर, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताना चाहता था, दिव्यांक। अब तो मेरे स्कूल में नहीं है, लेकिन जब था तो वो मेरी मतलब हर टाइम पे हेल्प करता था। मैं कभी भी किसी प्रॉब्लम में फंसता था तो एडवाइस देता था मुझे। कभी मेरे किसी से लड़ाई हो गई तो पूरी एडवाइस देता था कि क्या करना है, मतलब कैसे टालना है। कभी मैं क्लास में कुछ करते हुए पकड़ा जाता था और मेरा दिन ख़राब हो जाता था, मेरा दिन ख़राब हुआ था पहले से, तो टीचर के सामने ब्लेम अपने पे ले लेता था अगर वो मेरे बगल में बैठा होता था, और ऐसे मेरी बहुत हेल्प करता था। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। अब मैं आपको एक अपने जीवन की एक घटना बताना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था, जब मैं बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गया था, मुझे हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। 3 महीने तक मैं हॉस्पिटल में रहा। वहाँ पे मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर वहाँ पे डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, पर कई लोगों ने मुझे खून देकर मेरी जीवन रक्षा की। इसी बात से मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप भी हमेशा मिलजुल कर हर समस्या में एक दूसरे का साथ दीजिए, और हमेशा कोई भी समस्या को मिलकर ही हल कीजिए। इससे एकात्मकता बढ़ेगी और एकता भी बनेगी। धन्यवाद। साथियों को फांसी की सजा दी जा रही है, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम्हें फांसी की सजा दी जा रही है और तुम खुश हो रहे हो, खुशियां मना रहे हो। इस उम्र में तो लोग सपने देखते हैं। सपना तो मैंने बचपन में ही देख लिया था। ये देख रहे हो, ये मिट्टी, ये कोई मामूली मिट्टी नहीं, ये जलियांवाला बाग की मिट्टी है। इसमें मेरे देशवासियों का लहू मिला हुआ है, इसे मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ।
ये मुझे मेरे वजूद, मेरे मकसद और मेरे सपने की याद दिलाती है। इसमें सिर्फ एक ही नाम है, आजादी। तुम्हें क्या लगता है, तुम अपनी मौत से इस देश को आजाद करा दोगे? हाँ, आजाद करा दोगे। जब जब बाहर खून शहीदों का, तकदीर बदली लोगों की। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बलिदान बेकार नहीं जाएगा। राख का हर एक कण मेरी गर्मी में गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद है। इनकलाब जिंदाबाद। इसमें खुश होने वाली क्या बात है, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, इस उम्र में तो लोग सपने देखते हैं। सपने तो मैंने बचपन में ही देख लिए थे। देख रहे हैं आप इस मिट्टी को, ये कोई मामूली मिट्टी नहीं, ये जलियांवाला बाग की मिट्टी है। इस मिट्टी में देशवासियों का लहू मिला हुआ है। इस मिट्टी को मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। ये मिट्टी मुझे मेरे वजूद, मेरे मकसद, मेरे सपने की याद दिलाती है, जिसका नाम है आजादी। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी फांसी से देश को आजादी मिल जाएगी? जब खून बहता शहीदों का, तकदीर पलटी काम होगी। मुझे पता है मेरी फांसी यूं ही जाया नहीं जाएगी। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आज तो ईद है, आज मैं वहाँ जाकर मेले में जाकर खिलौने लूंगा। अरे अम्मा मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे मेले में जाना है। अरे आज ईद है और घर में कुछ भी नहीं, मेरे पास तो सिर्फ 3 रुपए हैं। कोई नहीं अम्मा, मैं इससे ही कुछ ले लूंगा। अरे हाथ जल गया, अगर चिमटा होता तो शायद ना जल पाता। ये तो 1 पैसे में 25 चक्कर। अरे अरे तुम क्या बेच रहे हो? ये चिमटा है, ये चटनी है और ये फ्राई पैन है। मैं चिमटा ले लेता हूँ, अम्मा को इसकी बहुत आवश्यकता है, रोटी बनाने में उनके हाथ जल जाते हैं। अरे ये चिमटा कितने का होगा? ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। नहीं फिर भी मुझे बता दो कितने का है। ये 6 पैसे का है। थोड़ा कम नहीं हो सकता? हो सकता है 4 पैसे। थोड़ा और कम नहीं हो सकता? नहीं। चलो ले लो। ये मैं तुम्हारे लिए मेले से चिमटा लाया। अरे इसकी क्या जरूरत थी, ये कहाँ से लिया? अरे ये जब तुम खाना बनाती हो तो तुम्हारे हाथ जल जाते हैं, तो उसके लिए मैं तुम्हारे लिए चिमटा लाया हूँ। अरे वाह, तुम्हारा कितना मन ललचाया होगा मिठाई वगैरह देखकर, फिर भी तुमने अपनी अम्मा के लिए चिमटा खरीदा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। होंगे कामयाब हम, होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हेलो गाइस, सो माय स्टोरी इज अ शॉर्ट वन अबाउट मी एनकाउंटरिंग एन इनोसेंट पिजन एंटैंगल्ड इन इलेक्ट्रिक वायर्स। आई कुडंट हेल्प मायसेल्फ टू अवॉइड द रिस्क ऑफ वन्स लाइफ। That's how I ended up saving her. But I realized that people who were passing by her are ignoring her. When I looked into the eyes of the bird, I saw a beautiful soul and their wish to live a life which was painless. And so I would only say that please don't avoid the life in danger, because this might not change the world, but this might change the one's life. Thank you.